आजकल 498A की एफआईआर होना बड़ा आम हो गया है। जैसे ही पत्नी अपने पीर चली जाती है, वो अपने हस्बैंड और उसके पूरे परिवार के खिलाफ एक 498A की एफआईआर दर्ज कर देती है। और जब कभी उस पति या उसके घर वालों ने कभी दहेज मांगा भी नहीं हो और वो रिलेटिव जो कभी उस घर में रहे भी नहीं हो, उनके खिलाफ भी एक एफआईआर दर्ज हो जाती है। ये कहते हुए कि साहब इन्होंने हमें दहेज के लिए परेशान किया, एफआईआर दर्ज होती है और अगले दिन पुलिस वाले आपको परेशान करना शुरू कर देते हैं। ऐसी कंडीशन में क्या करना चाहिए? इसका जवाब दिया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने। आज हम इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे 498A के पीछे का क्या कानून है और कैसे आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लगाकर उस एफआईआर को रद्द करा सकते हैं, जानेंगे आज डिटेल में। वेलकम बैक टू चैनल, मैं हूं आपका अपना वकील दोस्त एडवोकेट नमन मनोहर और आप मेरे साथ देख रहे हैं लीगल शॉर्ट्स, क्योंकि अब बदलाव जरूरी है। वीडियो शुरू करने से पहले एक जरूरी अनाउंसमेंट, अगर आपके जीवन में कोई कानूनी समस्या है तो मैं एक नीचे लिंक दे रहा हूँ, उस लिंक पर क्लिक कर मुझ तक या मेरी टीम तक घर बैठे आप अपनी कानूनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं 498A की एफआईआर और उसे कैसे हाई कोर्ट से रद्द कराया जा सकता है, जानेंगे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के थ्रू। सबसे पहले हम उस जजमेंट का नाम जान लेते हैं, महालक्ष्मी एंड अदर्स स्टेट ऑफ कर्नाटका 2023 सुप्रीम कोर्ट। मैं नीचे लिंक दे रहा हूँ, उस लिंक पर क्लिक कर आप घर बैठे उसका पूरा जजमेंट भी पढ़ सकते हैं। इस केस में ये होता है कि पति पत्नी की शादी के बाद जब उनका डिस्प्यूट बढ़ता है तो वाइफ अपने पीयर चली जाती है। जब वो पीयर जाती है तो वो एक 498A 406 और सेक्शन 3 एंड 4 ऑफ डोरी प्रोहिबिशन एक्ट में एक एफआईआर दर्ज कराती है। वो जब एफआईआर दर्ज कराती है तो वो अपने हस्बैंड के साथ साथ उसकी बहन यानी हस्बैंड की बहन यानी उसकी ननंद और साथ साथ उसके कज़न जो दूर दराज के कज़न होते हैं उनके खिलाफ भी वो एफआईआर दर्ज करवा देती है। पुलिस आफ्टर इन्वेस्टिगेशन चार्जशीट फाइल करती है। वैसे दोस्तों आइडियली तो पुलिस को ही यहाँ पर ये रोल देखना चाहिए कि किसी कज़न का कोई रोल था या नहीं, क्या वो वहाँ पे उसके साथ रहता था या नहीं, क्या उन्होंने कभी डॉरी की डिमांड की या नहीं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज भी इस देश में आप ये देखेंगे कि जैसे ही 498A की एफआईआर होती है पुलिस का एक ही रूप नज़र आता है कि वो उसमें चार्जशीट फाइल करती है, वो कभी भी जनरली क्लोजर नहीं देती है। इस केस में भी ऐसा हुआ, जब पुलिस ने चार्जशीट फाइल कर दी तो अल्टीमेटली चार्जशीट कॉम्पिटेंट ट्रायल कोर्ट में फाइल हुई। ट्रायल कोर्ट ने इन सारे कजन्स को और जो उसकी ननंद थी उसको भी समन इशू किए। इस बात से एग्रीव्ड होकर ननंद और वो कज़न पहुंचे ऑनरेबल हाई कोर्ट के पास, उन्होंने 482 सीआरपीसी की पिटीशन लगाई। दोस्तों यहाँ पे मैं एक पहला आपको 482 सीआरपीसी का थोड़ा कानून भी हम डिस्कस कर लेते हैं। जब भी हमारे खिलाफ कोई एफआईआर होती है या हमारे खिलाफ कोई आपको लगता है कि पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करके चार्जशीट फाइल की और आपको लगता है कि वो एफआईआर वो चार्जशीट आपके खिलाफ चलने योग्य नहीं है, तो आप सेक्शन 482 सीआरपीसी की पावर को इन्वोक करके अपने स्टेट जो आपका हाई कोर्ट है वहां पर जाकर उस पिटीशन को डाल के उस एफआईआर को रद्द करवा सकते हैं। ये करवाने के लिए आपको अपने नजदीकी लॉयर से संपर्क करना होगा और वो आपके लिए पिटीशन फाइल कर देंगे। इस केस में भी ऐसा हुआ, उन्होंने 482 सीआरपीसी की पिटीशन फाइल की और चैलेंज किया कि ये जो एफआईआर मेरे खिलाफ की गई है वो बिल्कुल गलत है, रद्द करने योग्य है और ये जो चार्जशीट फाइल हुई है उसको भी क्वेश किया जाना चाहिए। लेकिन हाईकोर्ट ने 482 सीआरपीसी में अपने इंटरफेरेंस करने से मना कर दिया और हाईकोर्ट ने भी एफआईआर क्वेश नहीं करी। हाईकोर्ट ने कहा इस स्टेज पे ये नहीं देख सकते कि एफआईआर आपके खिलाफ रद्द होगी या नहीं होगी, अगर आपके खिलाफ एलिगेशन है तो एफआईआर तो चलेगी, जो कि एक सही अप्रोच नहीं थी। इसलिए ये सारे पिटिशनर्स पहुंचते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास। दोस्तों अगर स्टेट हाई कोर्ट से आपको रिलीफ नहीं मिलता है तो उसकी एसएलपी जाती है सुप्रीम कोर्ट में। एसएलपी फाइल होती है आर्टिकल 136 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। तो अगर आपको लगता है कि हाई कोर्ट ने आपकी फेवर में ऑर्डर नहीं दिया है और आपको लगता है कि ये गलत ऑर्डर है तो उसको भी आप सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। इस केस में भी ऐसा होता है, वो फाइनली पहुंचते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में वो बहुत सारे अपने जो पुराने जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने दिए हैं उस पर रिलाई करते हैं और एक बात कहते हैं कि कोई भी एफआईआर में ओमनीबस एलिगेशन नहीं होने चाहिए, देर हैज टू बी ए स्पेसिफिक एलिगेशन। यानी अगर एफआईआर में सिर्फ आप ये लिख दें कि पति के साथ साथ उसके भाई बहन सब लोग भी जिम्मेदार हैं तो उस सिर्फ उसको कहने से एफआईआर नहीं चल सकती। अगर किसी ने आपसे डोरी मांगी है, अगर किसी ने आपको मेंटली हैरेस किया है तो आपको उसके लिए एक स्पेसिफिक वारंट देना होगा। अगर आप वो नहीं देते हैं तो वो मतलब एफआईआर गलत है, एफआईआर झूठी है और उस ग्राउंड पर एफआईआर को रद्द किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे इस केस के फैक्ट्स को जब देखा तो पाया कि जो ननंद है वो तो इंडिया से बाहर रहती थी, वो सिर्फ कुछ दिनों के लिए उस शहर में आई जहाँ पे वो पति पत्नी रहा करते थे, कुछ दिन के लिए आई और वो वापस चली गई। साथ में सुप्रीम कोर्ट ने ये भी देखा कि उस एफआईआर में सिर्फ ये एलिगेशन था कि ये जो ननंद है इसने मुझे कुछ भला बुरा कहा और मेरे पे कुछ सामान फेंक दिया। सिर्फ इस कहने से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि 498A की डेफिनेशन में आप नहीं आते हो और आपके खिलाफ जो एफआईआर दर्ज कराई है वो गलत है, इसलिए इसको रद्द करना होगा। साथ ही जो बाकी कजन्स थे यानी जो बाकी पिटिशनर्स थे उनका नाम सिर्फ इसलिए डाला गया था क्योंकि जब उन दोनों के बीच में
का भी राजीनामा या जो पंचायत बैठी उसमें वो वहाँ पे बैठे थे, तो कंप्लेनेंट ने ये अपना अवर्नमेंट लेते हुए आए कि ये पंचायत में बैठे थे तो उन्होंने भी मुझे परेशान किया, इसलिए इनके खिलाफ भी FIR चलनी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये दिखाता है कि उस कंप्लेनेंट की क्या मंशा थी, वो सिर्फ और सिर्फ इस परिवार को हैरेस करना चाहती थी। अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपने सारे जजमेंट्स का एनालिसिस करते हुए कहा कि क्योंकि ओमनिबस एलिगेशन है, इन सभी पिटिशनर्स ने उसकी लाइफ में किसी भी तरह से इंटरफेयर नहीं किया, देर इज़ नो इन्वॉल्वमेंट और ना ही उसको डॉरी से संबंधित कभी परेशान किया, इसलिए इस FIR को हम यहीं पर और चार्जशीट को क्वैश करते हैं और उनके खिलाफ किसी भी तरह की कोई ट्रायल नहीं चलेगी। तो दोस्तों आपने देखा कि अगर आपके खिलाफ कोई झूठी FIR हो जाए या आपको लगता है कि कोई इस तरह की आपके खिलाफ चार्जशीट हो जाए जो आपको लगता है गलत है, तो आपको 482 CRPC की पिटीशन फाइल करनी चाहिए, क्योंकि आजकल हर दूसरे तीसरे घर में ऐसा हमें सिचुएशन देखने को मिल रही है और जैसे ही कोई डिस्प्यूट होता है, कभी दहेज मांगा या नहीं मांगा हो, सीधा 498 की FIR होती है। तो जैसे ही FIR होए उसकी सर्टिफाइड कॉपी लें और हाईकोर्ट में 482 की पिटीशन लगाएं। उम्मीद है कि आपको बहुत जल्दी रिलीफ मिलेगा। अगर आपको इस तरह का कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको घर बैठे ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहें। मिलेंगे अगली बार इसी तरह के वीडियो के साथ, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।